पेट्रोल पंप बंद रहेंगे 15 तारीख को, 15 नवंबर को। शायद आपको पता चल गया हो, और नहीं पता चला हो तो हरियाणा के पेट्रोल पंप 15 नवंबर को सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। सिर्फ इमरजेंसी के लिए किसी को पेट्रोल या डीजल मिल सकता है, इमरजेंसी किसी काम में। इसकी वजह क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है, हमारी संवाददाता रजनी सोनी ने डीलर एसोसिएशन के महासचिव रामेश्वर चौहान से बातचीत की। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, क्या वजह बताई गई, सुनते हैं। तारीख को प्रदेश भर के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे क्योंकि इन पर हड़ताल रहेगी। क्या इसकी वजह है, क्यों ये पेट्रोल पंप बंद करने का निर्णय लिया है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ डीलर एसोसिएशन के महासचिव रामेश्वर चौहान जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या वजह है प्रदेश भर के पेट्रोल पंप जो है वो बंद करने का निर्णय लिया? हरियाणा की जनता से माफी चाहूंगा कि ये हड़ताल लेने का मैं फैसला करना पड़ा। वैसे तो पेट्रोल पंप का रोजगार जो है, ऐसा रोजगार है वो जनसेवा का रोजगार है। यानी जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट है, जो यानी कोई हमारे घर में, अगर कानून की बात है, हमारे घर में अगर मृत्यु भी हो जाए तो हम पेट्रोल पंप बंद नहीं कर सकते, कानून ऐसा है। लेकिन गले तक, यहाँ तक बात आ गई है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक घात लगा है, कीमतों का घात लगा है। और वो कीमतें भी जो पहले जो है एक्साइज के नाम से जो पहले लगती थी, वो सरकार या कंपनियां अफोर्ड करती थी, और अब जो इस बार जो है वो सारे डीलरों को अफोर्ड करना पड़ा। और केवल जिला यमुनानगर में 25-30 करोड़ रुपए का जो है डीलरों का नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ जो है हरियाणा में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और हमारी कमीशन 2017 के बाद, 2017 के बाद आज तक बढ़ाई नहीं गई है। लगातार हम केंद्र सरकार के पास, मंत्रालय के पास, प्रदेश के पास वो कर रहे हैं। और हमारे लिए एक और मजबूरी की बात है, जो हमारा ये प्रदेश जो है, ये प्रदेश जो ट्रांजिट एरिया है, यानी यहाँ पर 6 या 7 जो प्रदेश हैं, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर कश्मीर है, पंजाब है, चंडीगढ़, जिसने भी कहीं एक दूसरी जगह जाना है वो हरियाणा को क्रॉस करके जाएगा, उसको पास करके जाएगा। और हरियाणा का जो जो डिस्टेंस है, जो यानी दूरी है, तकरीबन 300-400 किलोमीटर तक की दूरी है, तो बीच में हरियाणा से डलवानी पड़ेगा। पहले क्या होता था कि यहाँ पर टैक्स कम थे, और टैक्स कम होने की वजह से सेल बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन अब टैक्स हरियाणा ने ज्यादा बढ़ा दिए हैं,